दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में आपके साथ सबसे ज्यादा बुरी चीज आखिर क्या हो सकती है, तो मैं जानता हूं कि हर किसी का अलग अलग जवाब होगा। कोई बोलेगा पैसे की कमी, तो कोई कहेगा परिवार को खोना, कोई कहेगा जेल जाना, तो कोई बोलेगा एक्सीडेंट होना। एंड इसी तरह से कई सारे लोग अपने हिसाब से अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपके साथ अगर कोई सबसे बुरी चीज हो सकती है तो वो है आपका अपने आप को ही खो देना। नहीं समझे? वेल, मेरा तात्पर्य है आपकी उस यूनिक स्पिरिट से जो कि हर एक इंसान को अलग बनाती है। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया एको चैम्बर्स का काम कर रहे हैं, जो कि आपकी इसी अनोखी स्पिरिट को खत्म करके आपके दिमाग में भूसा भरे जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि एको चैम्बर्स क्या होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के एंड में आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर सोशल मीडियाज हमें कैसे जाल में फंसा रहे हैं। आइए इस पूरी ग्रैंड स्कीम की जड़ तक जाते हैं और इससे कैसे बचना है ये भी जानते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कुएं के मेंढक की कहानी तो जरूर सुनी होगी। वेल, जैसा उस कहानी में आपने देखा होगा कि कैसे मेंढक को वो कुआं ही अपनी पूरी दुनिया लगता है, या कहें कि उसको लगता है कि वो कुआं ही पूरी दुनिया है। अब ठीक ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने आपको उस कुएं के मेंढक की तरह ही बना के रख दिया है, जिससे कि आप धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी खोते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपको जितना दिखाया जाता है उसी को अपनी रियलिटी मान रहे हैं। अब कई सारे लोग मेरी इस बात से डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन उन्हें बता दूं कि वो अपनी फ्री स्पिरिट को खोते जा रहे हैं, भले ही उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो फ्री है। अब आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। दोस्तों, आपने अक्सर ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप किसी वीडियो को या किसी पोस्ट को थोड़ी देर तक देख लेते हैं या लाइक कर देते हैं, तो इन सोशल मीडिया ऐप्स का जो एल्गोरिदम है वो ये समझता है कि आपको वो पोस्ट या वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है एंड आपको वही सब चीजें देखना पसंद है। अब इसके चलते होता ये है कि वो पर्टिकुलर ऐप अब आपको वही सारी चीजें दिखाने लगता है और एक पॉइंट के बाद अब आपको वही सब बातें ही सच लगने लगती हैं और आप ये समझने लगते हैं कि दुनिया में बस वही हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं। एंड ये कब आपकी दुनिया बन जाती है आपको पता भी नहीं लगता है। इसी चीज को एको चैम्बर कहते हैं, यानी कि आप जिस बात को मानते हैं आपको वो इस तरीके से दिखाना कि आप उस बात को लेकर ऑर्थोडॉक्स बन जाओ और अपनी बात के अलावा किसी अदर पर्सन की ओपिनियन को आप सुनना तक ना चाहो। अब एको चैम्बर्स क्या है, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं एंड आपके सामने कोई ऐसा कंटेंट आ जाता है जिसमें कि मुसलमानों को बुरा दिखाया गया है एंड हिंदुओं को बहुत ही ज्यादा महान। अब आपने किसी वजह से उस पोस्ट को लाइक कर दिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, जिससे कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये सिग्नल पहुंचता है कि आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है। एंड क्योंकि इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज चाहती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके ऐप पे बिताएं, तो वो सेम तरह की वीडियोस ही आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और धीरे धीरे रोज जब आपको ऐसी हेटेड भरी वीडियोस इंस्टाग्राम दिखाएगा जिसमें कि हिंदू मुसलमानों में डिफरेंस बताया जा रहा है और मुसलमानों के नाम से डराया जा रहा है कि ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जब ये सब बकवास आपके दिमाग में रोज भरी जाएगी, तो एक टाइम के बाद आप मुसलमानों से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आपने जो चीज शुरुआत में जस्ट सोची इंस्टाग्राम के माध्यम से अब वो आपका बिलीफ बन चुका है। एंड यही चीज एको चैम्बर कहलाती है, यानी कि आपको वही सेम चीज सुनाना या दिखाना जो कि आप सुनना या देखना चाहते हो। अब जो लोग मेरे इस एग्जाम्पल से भड़क चुके होंगे, उन्हें बता दूं कि मैं कोई मुसलमान नहीं हूं जो कि उनकी तरफदारी कर रहा हूं। मैं जस्ट एक नॉर्मल सनातनी भारतीय हूं जो कि इस बहुत बड़े इशू को आपके सामने रखना चाहता है, ताकि आप इसकी चपेट में ना आए और अपने आप को या कहें अपनी इंसानियत को ना खोएं। इस बात को आप जितना ज्यादा हल्के में लेंगे, ये बात आपके लिए उतनी ही ज्यादा घातक साबित होगी। बात जस्ट हिंदू मुसलमान की नहीं है, बल्कि कई सारे लोग जो लड़कियों के खिलाफ कंटेंट बनाते हैं एंड लड़कों को सिग्मा मेल, अल्फा मेल और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ये सब बकवास आपके दिमाग में भूसे की तरह भरी जा रही है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने खुद के पर्सपेक्टिव को खो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें ये बताया जाता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो बिना पढ़े ही इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी थी। ये सब बातें बच्चों को पढ़ाई निगलेक्ट करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, जो कि अल्टीमेटली उनका ही नुकसान है।
साथ ही साथ कई सारे पॉलिटिकल मुद्दों पे वीडियोस बनाई जा रही हैं, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को देवता की तरह दिखाया जा रहा है, जो कि क्लियर मैनिपुलेशन है वोट्स का। कि सोशल मीडिया कुछ और करे ना करे, लेकिन आपका ब्रेन वॉश जरूर कर रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई तूने नुकसान तो बता दिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो बता। वेल, देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल है। आप अगर सोशल मीडिया एप्स बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। आप जो भी चीज इन सोशल मीडिया पोस्ट में सुनो या देखो, उसे एक बार अपने एंड से कंफर्म कर लो या कहीं क्रॉस चेक कर लो। साथ ही साथ कोशिश करो कि आप ऑनलाइन गिने चुने ट्रस्टेड सोर्सेज से ही न्यूज पढ़ो या फिर न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लगा लो। इस सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज या कोई भी कंटेंट है, उस पर फर्स्ट हैंड यकीन ना किया करो। एक बार क्रॉस चेक करके ही अपना पर्सपेक्टिव तैयार किया करो। एंड अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड किया कीजिए और अपना स्क्रीन टाइम जितना कम हो सके उतना कम कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आपको ये स्टेप्स काफी ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन एक बार अगर आपको इनकी आदत पड़ जाती है, तो मेरा मानना है कि फिर आपको कोई भी ऐप ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, जो कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।